अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन का फर्स्ट रिएक्शन देखिए, अमेरिका में हुए इस विद्रोह के बाद क्या कह रहे हैं बाइडेन, जरा सुनते हैं। The scenes of chaos at the Capitol do not reflect a true America, do not represent who we are. What we're seeing are a small number of extremists dedicated to lawlessness. This is not dissent. It's disorder. It's chaos. It borders on sedition. And it must end now. I call on this mob to pull back and allow the work of democracy to go forward. The words of a president matter, no matter how good or bad that president is. At their best, the words of a president can inspire. At their worst, they can incite. और रिपब्लिकन पार्टी से देव कार्लेकर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। देव कार्लेकर साहब, आप सहमत हैं जो बाइडेन जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं कि ये सीधे सीधे राजद्रोह है, मानते हैं आप? देखिए, किसी भी प्रकार की हिंसा ये हमेशा निंदनीय होती है। तो जो बाइडेन का जो स्पीच है, ये बाइडेन साहब नहीं, कोई भी एनीवन इन दिस राइट माइंड विल ऑलवेज डिनाउंस एनी वायलेंट एक्शन। एक औरत की जान गई, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा। बिफोर मी देयर वाज अ स्पीकर अश्विन कुमार, आई जस्ट वांट्स टू करेक्ट हिम कि यूएस की डेमोक्रेसी इट इज नॉट द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भारत है। यूएस की डेमोक्रेसी इट इज द ओल्डेस्ट, हमारी सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है। भारत की डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा है, 1.4 बिलियन। बिल्कुल बिल्कुल, दैट जस्ट वन स्मॉल एरर। बट कमिंग बैक, ये निंदनीय कृत्य है, जिसने भी किया वो गलत है और इसकी छानबीन होगी, एंड दोज हु आर बिहाइंड दिस मस्ट बी पनिश्ड। मैं आपसे यह रिपब्लिकन पार्टी की नजर में डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया, जिस तरह से रैली में अपने समर्थकों को भड़काया, जिस तरह से उन्हें इस बात के लिए उकसाया गया कि अमेरिका की सड़कों पर हिंसा का तांडव मचाया जाए, जिस तरह से उन्हें अपनी ताकत दिखाने के लिए कहा गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, क्या आप मानेंगे कि यह राजद्रोह है? सीधा सवाल है, सीधा जवाब चाहूंगा सर। You are now stretching the line. He said, show your strength by coming for a protest. तो इसका मतलब क्या है? आप भारी संख्या में आइए और पीसफुल प्रोटेस्ट से मुझे समर्थन दीजिए। यह उनका वाक्य था। किसी भी वाक्य में उन्होंने यह नहीं किया कि सर रैली में जो उन्होंने कहा है डोनाल्ड ट्रंप को मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा यू विल नेवर टेक बैक आवर कंट्री विथ वीकनेस, यू हैव टू शो स्ट्रेंथ एंड यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू शो योर स्ट्रेंथ। इसका क्या मतलब है? आइए सड़कों पर हिंसा कीजिए, अपनी ताकत दिखाइए। नहीं, इसका मतलब ये नहीं हुआ, जब आप 10-15-20 हजार के संख्या में आते हो एंड यू आर शोइंग योर यूनिटी, है ना, संगठन में शक्ति है, तो अगेन यू आर मिसकोटिंग अगेन। मैं आपसे इसके लिए थोड़ा डिफर करूंगा। उन्होंने कहा था, मैंने पहले भी कहा था, भारी संख्या में आइएगा और अपना एक देव कार्लेकर साहब, ऐसे वक्त में जब डोनाल्ड ट्रंप लगातार चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रहे हो, फर्जीवाड़े का आरोप लगा रहे हो, बिना सोचे समझे बयान दे रहे हो, 10,000 समर्थकों की मौजूदगी में अगर कोई चुना हुआ राष्ट्रपति अपने समर्थकों से यह कहेगा कि आइए अपनी स्ट्रेंथ दिखाइए, आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? देखो, मैं तो एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, आई एम सेइंग इट्स अ पीसफुल प्रोटेस्ट। और सर, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप इसे, मतलब मुझे हैरत हो रही है, ये पीसफुल वर्ड आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं इस वक्त? पीसफुल प्रोटेस्ट आपको अभी भी नजर आ रहा है क्या ये जो कुछ हुआ? यह नहीं है, बड़ी खेद की, ये बड़ा खेद लगता है व्हेन यू सी सच काइंड ऑफ हूलिगन्स एंड वैंडलिज्म हैपन। आपने कोट किया था, मैं आपको उसको रिस्पॉन्स दे रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यह नहीं कहा था कि कैपिटल में आओ, दरवाजे तोड़ो, शीशे तोड़ो, मारो, दबाओ, बस यही कहना बाकी था सर। लेकिन जो आप कह रहे हैं, बस वही कहना बाकी रह गया था और सब कुछ तो उन्होंने कह ही दिया था। आप कोट मत कीजिएगा, बिकॉज़ यू नो यू आर स्ट्रेचिंग। मैं देव कार्लेकर साहब, मैं रोहित शर्मा को यहां पर लाना चाहूंगा। रोहित शर्मा, एग्जैक्टली जरा बताइए, देव कार्लेकर साहब को भी बताइए कि एग्जैक्टली क्या कहा गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रैली में, किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों को भड़काया। देखिए समीर, आज सुबह जो रैली थी, ये रैली को बार बार ट्विटर पे प्रमोट कर रहे थे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप,
जी। प्राउड बॉयज जो एक ऐसी संगठन है जो बंदूक लेके, हमेशा उनके पास बंदूक होती है, उन्होंने इलेक्शन से पहले कहा था कि उनको मैं स्टैंड बाय पे रखना चाहूंगा। अब आप किसी बंदूकधारी संगठन को स्टैंड बाय पे क्यों रखना चाहेंगे? और फिर 6 जनवरी को जिस दिन जो बाइडन अमेरिका के ऑफिशियली आज राष्ट्रपति उनको दोनों जो चैंबर्स थे उनको उनको ऊपर मोहर लगाने वाले थे, ऐलान करने वाले थे कि वो बन गए हैं, आज आप एक रैली करते हैं, उस रैली में आप कहते हैं कि यू विल नेवर टेक बैक योर कंट्री विथ वीकनेस। यानी आप कभी भी, आपको जो अपना देश जो लेना है, क्योंकि इलेक्शन तो वो बार बार कह रहे थे कि मुझसे चोरी किया गया, मुझसे छीना गया, मैं जीता हूं, तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपका राष्ट्रपति बना रहूं तो अपनी स्ट्रेंथ दिखाइए आप। और जो आज हुआ है आप देखिए किस तरह से, कितनी आसानी से, आप कोई इमेजिन भी नहीं कर सकते कि यूएस कैपिटल पे इतनी आसानी से लोग अंदर आ जाते हैं, स्पीकर के ऑफिस में आ जाते हैं, तोड़फोड़ मचाते हैं, और वहां से इलेक्ट्रॉनल कॉलेज वोट्स को छुपाना पड़ता है, और 3.5 घंटे लग जाते हैं वहां से लोगों को निकालने में। तो डोनाल्ड ट्रंप, अगर मैं देव साहब को मैं इतना सा कहना चाहता हूं, देव साहब आपकी बहुत सारी बात, बहुत सारे शो में मैं जुड़ा हूं आपके साथ, लेकिन आज जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया वो बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं रोहित, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। इसीलिए जो बाइडेन को ये कहना पड़ता है कि ये राजद्रोह है और कुछ नहीं है, माइक पेंस इसे अमेरिका के इतिहास में सबसे काला दिन बता रहे हैं। और इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, करुणा शंकर का मैं रुख करूंगा, उसके बाद मनीष मैं आपके पास आ रहा हूं। बिल्कुल समीर, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ही बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका में हिंसा के बाद अकेले पड़ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये बड़ी खबर आपको बता दें, व्हाइट हाउस डिप्टी प्रेस सचिव सारा मैथ्यू ने इस्तीफा दे दिया है, व्हाइट हाउस सोशल सेक्रेटरी रिकी निचेता ने भी इस्तीफा दे दिया है। यानी इस पूरे घटनाक्रम, इस पूरे हंगामे, हिंसा बवाल के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं मनीष झा, और इसके आसार थे। और माइक पेंस का आज जो रुख नजर आया और जिस तरह से उन्होंने अपने ही प्रेसिडेंट के कई आदेशों को मानने से इनकार किया, उसके बाद ये संकेत मिलने लगे थे कि अमेरिका में अलग थलग पड़ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, अपनी पार्टी में अकेले पड़ सकते हैं और अपनी पार्टी से उनका विरोध भी हो सकता है, और अब वही हो रहा है। देखिए 4 साल तक जिस माइक पेंस ने साये की तरह डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया, पिछले 4 घंटे में उनका रुख देखिए। अब माइक पेंस को यह एहसास हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर कितनी बड़ी बला है, और यही वजह है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने माइक पेंस से ये कहा कि आप अपने गलत संविधान के फैसले, संविधान के तहत अपना गलत फैसला लीजिए, चुनाव परिणाम को पलट दीजिए, तो पहले माइक पेंस ने उसे खारिज किया। और दूसरी बात, जब प्रदर्शनकारी कैपिटल बिल्डिंग में घुसे उस समय उन्होंने कैपिटल बिल्डिंग को खाली करने से मना किया और फिर सदन की कार्रवाई शुरू की है और कड़े शब्दों में निंदा की है और एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र नहीं किया। ये तो हुआ उपराष्ट्रपति की बात। अब विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को देखिए, उन्होंने भी कड़े लफ्जों में इस घटना की निंदा की है, उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप का साथ नहीं दिया। इसके बाद आइए एनएसए ओब्रायन का, उन्होंने माइक पेंस की खूब खुलकर तारीफ की लेकिन उन्होंने प्रेसिडेंट का जिक्र तक नहीं किया। इसके बाद आइए रिपब्लिकन पार्टी के जो मेजॉरिटी लीडर है सीनेटर मैकलेन का, उन्होंने भी हाउस में इस घटना की पूरी निंदा की। अब इस पूरे परिदृश्य में देखिए तो सिर्फ किसने निंदा नहीं की है, डोनाल्ड ट्रंप ने और उनके पार्टी के कुछ गिने चुने लोगों ने, जिसमें हमारे अफसोसनाक है कि देव साहब भी हैं जो इस घटना की निंदा नहीं करना चाहते। क्योंकि देखिए आज जो हुआ अमेरिका के इतिहास में वो लोकतंत्र को मानने वाले हर व्यक्ति के लिए काला दिन था, और यही बात डोनाल्ड ट्रंप के साथी भी समझ रहे हैं। इसलिए व्हाइट हाउस में जो ऑफिसर्स हैं वो रिजाइन करके जा रहे हैं, रिपब्लिकन पार्टी के तमाम सीनियर नेता रिजाइन करके जा रहे हैं। मनीष ये भी खबर आ रही है कि एनएसए रॉबर्ट ओब्रायन भी इस्तीफा दे सकते हैं, यानी ये इस्तीफों की झड़ी सी लग गई है इस वक्त व्हाइट हाउस में। जी हाँ बिल्कुल, देखिए अमेरिका में हमने कई बार ऐसा देखा है कि अगर प्रेसिडेंट के पद पर बैठा व्यक्ति कोई असंवैधानिक काम कर रहा है तो उनकी टीम के लोग इस्तीफा देते हैं, और यहीं से फिर बात बनती है कि क्या 25th अमेंडमेंट का इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं, जिसके तहत ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति का मानसिक तौर पर संतुलन ठीक नहीं है, उसका एक संकेत होता है ये। अब आप देखिए कि एक तरफ जहां एनएसए ने खुलकर उपराष्ट्रपति की तारीफ की है, माइक पेंस की ट्रू लीडरशिप की तारीफ की है, क्योंकि आज की तारीख में जिसको लीडरशिप दिखानी थी उन्होंने दिखाया, उपराष्ट्रपति ने दिखाया, वहीं डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में उसी तरह बैठे रहे। अगर पहले हम कहते थे ना कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था, अब आप देखिएगा कि 21वीं सदी की कहावत यही होगी कि जब अमेरिकी पार्लियामेंट पर हमला हो रहा था उस समय शायद डोनाल्ड ट्रंप या तो गोल्फ खेल रहे होंगे या टीवी देख रहे थे,
तो या ट्विटर पर कुछ नया ट्वीट करने के लिए सोच रहे थे, इस तरह का एक नया फ्रेज बनने वाला है आज की घटना को लेकर। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।